वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शन करो गुरुद्वारा लखनौर साहिब, दसवीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का यह गुरुद्वारा है। यह वो पवित्र स्थान है जिथे बचपन बाल गोबिंद राय जी, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की माता गुजरी जी अते मामा किरपाल चंद जी पटना साहिब तो आते हुए 6 महीने तक रुके सन। दशहरे वाले दिन गोबिंद राय साहिब जी के मामा जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब बाल गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की दस्तार बंदी की सी। वाहिगुरु जी इस गुरुद्वारे नू माता गुजरी कौर दा पेका अते गुरु गोबिंद साहिब जी दा नानका दा मान प्राप्त है। अते इस स्थान में गुरु नानक देव जी अते उना दे पुत्र श्री चंद जी दे चरणा दी छोह प्राप्त है। दर्शन करो इतिहासक गुरु खुई है जिथे माता गुजर कौर जी दी। ए गुरुद्वारे दा चारों पासे दा नज़ारा है गया है। ये अंदर जान दा दरबार साहिब जाइदा रास्ता है गया है। दर्शन करो गुरुद्वारा साहिब जी दा, उस बालपन नू याद कर कर जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे बचपन दे दिन गुजारे सन। ए सामने माता गुजरी कौर दा लंगर हॉल है। ए सामने गुरुद्वारा साहिब है। ए इतिहास लिखा हुआ है श्री गुरुद्वारा साहिब लखनौर साहिब जी का। दसवीं पातशाही दा ए नानका साहिब है और माता गुजरी कौर दा पेका स्थान। ए सामने ही सीढ़ियां है कि नहीं, दर्शन करो गुरुद्वारा साहिब जी। संगतां दर्शन वास्ते अंदर जा रही है। झूल दे निशान रहे पंत महाराज जी गुरुद्वारा साहिब के सामने है। निशान साहिब झूल रहे हैं, दर्शन करो गुरुद्वारा साहिब। सामने गुरुद्वारे का दरबार साहिब है, संगतां हुकमनामा पढ़ रही हैं। धन धन बाबा दीप सिंह जी, जो जल्दी रहती है इतने हर समय दर्शन कर।
दर्शन करो नगाड़ा साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का बालपन का गुरुद्वारा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।